is, I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. अस्सलाम वालेकुम, उनको मरियम की जिंदगी आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यार ही प्यार है। तो माशाल्लाह से हम लोग बैठे सहरी करने, आज तो माशाल्लाह मैं थोड़ा सोई भी और अभी कर रहे सहरी। तो सहरी में भी मलाई का टक्का और तो कोई काम से होता नहीं है ना, एकदम बहुत छोटा कांच का बाउल चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए, आधा की वाला कांच के इतने छोटे छोटे थे। और फैमिली को पराठे माशाल्लाह कितने अच्छे लाल हुए। और हम लोग के लिए हमने लिए पाव और ये मस्का और कल भी पीछे से खाने का प्लान थोड़ा बाहर था, खाना मेरे तो खाएंगे बाहर। तो वो क्या आवाज़ हो गया यार, माशाल्लाह माशाल्लाह बाबा नीला वाइट कलर के है ना, वाइट कलर के लाला वो इसलिए कर रहा। हाँ क्या पूरा तू नाश्ता कर रहा है, ढका आके बर्तन की आवाज़ कर रहा है। अरे बाबा तू अल्लाह भी तेरा मुँह मत चालू कर सकता सुबह, लेकिन थोड़ा सो गई थी, अच्छा ही सो गई थी, मतलब खाया देखो नमस्कार कर करके उठाया भी अम्मी लाया तुम अभी दो लाया नाश्ता कर रहे और बाकी अपने करने फटाफट उठ जाओ, इसके अंदर भी है तुम्हें नाश्ता कर लो भाई थोड़ा। बना रही आला फालूदा और ये आला फालूदे की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मगर इसमें ये मेहनत है कि इसको दोपहर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत जल्द गर्म रहता है ना, तो इसको ठंडा होने टाइम जाता है और इसको पकाना पड़ता है। तो अपने भाई ने बहुत ही फालूदे की तारीफ की है, तो आज मैं बना के देखती हूँ कैसा फालूदा है ये। इसमें शक्कर वक्कर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये खुद ही आएगा। कौन सा फ्लेवर था इसका ये बता, रबड़ी फ्लेवर है इसका, आप लोग देख सकते हैं। हम इसमें खाली आइसक्रीम डालेंगे, अभी जो हमको फसल डालना है वो डालेंगे, बाकी तो सब मिक्स है, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको बना के अंदर लेके जाऊंगी पंखे में। अपना ड्राई फ्रूट तो आए नमली और थोड़ा कल पीस के रख दिया, खुशबू अच्छा आ रही ना। और नूरी वो कर दे सब्जियां भिगा दे और रोटी का डब्बा धो ले। अभी मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट और हाथ से मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसके अंदर बबल्स नहीं आएंगे, सब खोल खोल के डालूंगी तो
दो मिनट में पूजा बना रही है। ड्राई फ्रूट में डालिए और ड्राई फ्रूट का मजा बहुत अच्छा आता है। अपना उसे दरदरा पीस के रखेंगे और उसे डालेंगे तो काट के डालने में जितना मजा नहीं आता जितना अच्छा आता है। चबाने में टाइम भी कम लगता है। चबाने में टाइम भी कम लगता है, अर्जेंट जाने का है तो चबाने में। क्या आजकल वाले बॉम्बे में टाइम बहुत कम है अपने पास में। बॉम्बे फास्ट है ना, हर वक्त कम है भाई, जितना टाइम कम नहीं कम यूज करे उतना अच्छा है। क्या लफाली का ये क्या बना? अब इसके अंदर डालने का फालूदा डालने का है, आइसक्रीम जाएगी, मलाई जाएगी, मलाई निकाल के डाल दी उसके अंदर। तो माशाल्लाह देखो ये बना बना के एकदम ठीक हो गया, मतलब जाड़ा हो गया है ना। देखो रबड़ी फालूदा में तो बराबर रबड़ी के साथ जाड़ा हो गया। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा ठंडा होने के बाद में डालूंगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद में डालूंगी रोबजा, आइसक्रीम और सब्जा, तीन काम बाकी, और थोड़ी मलाई डालूंगी तो रबड़ी का फ्लेवर और अच्छे से आएगा। एक मेरी अभी कितना जाड़ा जाड़ा हो गया ना, मतलब दादे भी नहीं इसमें। चलो फिर हो गया, ये मैं इसको अंदर रख लिया।
عيناي شوقا हमारे साबुदाने के भजिए। इधर चिकन फ्राई हमारा हुआ आज, तंदूरी चिकन और गुलगुले बने, चना बोटी, चिकन रोल बाकी है और उसमें आलू के भजिए बाकी है। झगड़ा हो गया नूरी? गाई बाकी है, करना है बिटाई बटाई कटाई पटाई। माशाल्लाह देखो हमारा रगड़ा बन रहा है ना, मम्मी स्टाइल में बन रहा है चटपटा रगड़ा। अब ये पहले अच्छे से पकेगा, फिर इसके अंदर क्या क्या गिरेगा अभी आपको बताएंगे हम। यहाँ देखो हम लोग ने पीस लिया अक्का धनिया, जीरा और अक्की लाल मिर्ची कश्मीरी, ये हम लोग हमेशा इसे पीस के ही डालते हैं रगड़े में। और ये हमारा पुदीना और कोथमीर और ये हमारा इमली का पानी। ये रगड़ा अच्छा उठेगा तो फिर मैं ये सब चीजें डालूंगी तो आप लोग को बताती हूँ। इसमें नींबू का इमली का भुट्टा गया अभी, और अभी सीधा बर्तन धो रहे इसको, बोले बर्तन पर निकल रहे क्या बता। और ये देखो मेरा रगड़ा मस्त हो रहा है अभी, अभी थोड़े काम जाम और बाकी देखिए खाना तो इंशाल्लाह तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। कच्चा कांदा भी आ गया, अच्छा नहीं खाते कच्चा कांदा। खाने से तो मुझे ऐसे आप लोगों को पता है एलर्जी है, कच्चा कांदा भी आप खा सकते हैं, बहुत से लोगों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने खाती हूँ तो कोई नहीं खाता है, मन को भी खाने का रहेगा तो बना के खा सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने खाती हूँ कांदा, कांदा डालेंगे ना बाद में खराब भी हो जाता, नहीं डालेंगे अच्छा भी होता। कांदे की स्मेल आके मुझे मुझे पसंद नहीं आता है, तो कभी नहीं से कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। साथ में चम्मच अंदर रख के और कढ़ाई लेके आओ, तेल छाना और सब लेके आओ, कुछ भी नहीं चाहिए अभी। क्या मस्त लग रहा था, क्या लग रहा था आज खाना ही रगड़ा, इसको बोलते हैं रगड़ा। हमने अपना पिसा हुआ जो घर का मसाला है वो भी रगड़े में डाले हैं और थोड़ा डालेंगे, और माशाल्लाह वाकई में अगर ये मसाला डालेंगे
तो आपको बम्बई के रगड़े की फीलिंग नहीं आएगी, बांद्रा के रगड़े की फीलिंग नहीं आएगी, तो आप बता देना। हमारा रगड़ा पूरा रेडी हो चुका है, एक नंबर रगड़ा। क्या बोलते है ना, क्या बोलती पब्लिक, क्या सबको नहीं तकलीफ। जानो रमजान का महीना, तकलीफ मत लो, अच्छे से रोजे बनाओ। चलो नमाज का टाइम और इनके सब टाइम पे बन चुका है, मेरे बच्ची भी आ रही है। मेरी तो बच्ची मेरे हमेशा आती है बेचारी, कभी भी काम में कोई भी तकलीफ में बुलाएंगे तो शमी में, तो कोई ये दरगाह पे रहती है, ये बोले तो रुक जाना शमीन जरा बाबा जी का तेल में जाएगी। बेचारी मरोल में भी आती, कुछ भी काम रहेगा तो, अभी मैं सहीदा पर इधर काम कर रहे थे, मरोल में जाके भी सफाई वफाई करती है। और ये पूरा मैंने अपने घर पे रहेगी, हाथ पे से काट कूट के लाके देके करेगी, है ना। और हमेशा भी बेचारी आती, कभी बुलाएंगे तो आती, बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह किसके लिए भी आप लोग दुआ करना कि कभी भी आती बेचारी। अच्छे छान तेले नूरी सब पकड़ तो गिरे नूरी। ये लोबान रोज तो एक जलता हमारे घर में, आज आयान भाई के हाथ में दिए ना, तो आज तीन 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 पॉइंट जला दिए। देखो आयान भाई को क्या बोलने का, अभी इसमें बकपुर की लकड़ी डाली और खुशबू अच्छी आई है, रेट जलता है। ये भाई साहब ने अपने पास तीन तीन कप जला देना है ना, ऊपर से ये डोंगरी का जो मैं लोबान लाती वो भी डाला, डोंगरी की दरगाह से लाती मैं लोबान, ये भी डाला पक्का पैकेट। माशाल्लाह से जब सब्जी वाला रबी आला जो हमने फालूदा बनाए थे वो तो माशाल्लाह अच्छे से ठंडा हो गया, अभी फ्रिज में रखे थे और थोड़ा पंखे में भी रखे थे, और हम लोग इसमें सब्जा भी भिगा के और डाले एक्स्ट्रा, क्योंकि सब्जा कम रह रहा है इसमें, तो उसके अंदर मैं डाल रही अभी रोबजा। ओके, ये हमारा रबड़ी वाला इतना मस्त फालूदा बन गया है ना। और जग किधर है फालूदे का, फ्रिज में लगा उसको। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, फालूदे ये कम डाल रही हूँ रोबजा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी शक्कर थी, अभी ज्यादा डालने से ज्यादा शक्कर हो गया, मीठा ज्यादा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तो मैंने फर्स्ट टाइम अभी ये बनाई ना, अलग वाला पैकेट लें हमेशा अलग पैकेट, तो आज इसका हमको पता चलेगा ये कितना मीठा है कितना खट्टा है, उसके बाद ही हमको पता चलेगा ना। तो ये क्या डाला सेब, कीवी एक और देना बेटा, सेब वाला बनाना, सब बनेगा अभी, कलिंगर वाला बनेगा, मोहब्बत शरबत बनेगा, एप्पल वाला बनेगा, दुश्मनी वाला शरबत। कोई अभी डाल रही मैं मलाई इसमें से, बादाम वाला शरबत। माशाल्लाह 28 दिन बाकी और है, बाकी दिन कितना भी खा लो कुछ मतलब नहीं आता है, जो रमजान में मजा आता है बना के खाने का और बनाने का इम्प्रेस हर चीज का। नींबू का शरबत की नहीं बनाए, उसमें भी जो मजा आता है ना वो कोई सादे दिन हम 11 महीने में कितना भी खा लो वो जो मजा नहीं आता है। एक नींबू का भी अब शरबत बना लो रमजान के टाइम पे, उसमें भी बहुत मजा। एक दिन नींबू का भी शरबत बनाएंगे, सब्जा डाल के मस्त ग्रीन ग्रीन, और फिर एक दिन तेंग वाला शरबत बनाएंगे, सब किस्म का शरबत अपने आप को मिलेगा, और एक पुदीना उदीना सब डाल के शरबत रेडी हो गया। ये ले बेटा आटा, अरे नूरी की रुक जाए नूरी को क्या रखी है इसका, अरे मलाई भी रख दी खरीद दी, और अभी इसमें डाल देती जग में ला।
पता है हंसने की बात है, किसी मंकी जी रहे थे एक नंबर फालूदा लाया वो अच्छा फालूदा बताया ना। देखो ये फालूदा लाया रबड़ी फालूदा है हमारी तरफ प्रोफेशनल दो काम करते एक बार ब्लॉक बजा के काम करते दूध लिया एक नंबर फालूदा ये नया फालूदा ये साल का निकला है परी को भेज के दे रही लेकिन पी रहा था फालूदा मेरा जा रहा था। ये बटर सुनो ये बटर स्कॉच और ये रोज खान ये रोज खान ये परी को पार्सल जरा भेज गई थी और ये काम है काम यहाँ तक हमारे घर के खाने में बहुत बरकत इबादत में बरकत है। नोएडा ने सही बोले बोले चनावटी कितनी कम भी बना लो बची रही बेटा साथ चनावटी थोड़ी बनाया जो घर का बड़ा रहता उसकी नीयत साफ रहेगी ना तो मैं आज से बना रहा हूँ। अभी रोजा सा खोल के नमाज वमाज से सब फारिग हो के फ्रेश व्रेश होके बैठ गई मैं। अभी खाना भी खा ली मैंने क्योंकि मुझे रोजे के बाद थोड़ी भूख लगती है मैं अफतारी बहुत कम करती हूँ। मुझे अपने घर का खाना थोड़ा चाहिए तो ये मेरी बहन आई थी बेंगलोर वाली सीमा आपा तो ये फहमीदा के पास देखी गई हूँ शायद एक आध दिन से आए थे। मुझे कल रात में कॉल की दरअसल मुझे दरगाह जाना था कि मेरे इधर कोई मेहमान शायद आ गया तो मुझे जाना नहीं हुआ मगर वो फ़ोन के तो उस वक्त में निकल ही रही थी तो दूसरे मेहमान अचानक आ गए तो नहीं जाना हुआ। तो मेरी बहन ने अपनी फहमीदा आपा के पास देखे गए थे तो गांव के बहुत फेमस है और इसके अंदर तो पूरा ऐसा ड्राई फ्रूट भरा रहता मैंने एक खोली हूँ बहुत ज़्यादा तो बहुत वहाँ का फेमस है। अगली बार भी गए तो हमने लेके आए थे पूरा ऐसा खोपरा काजू बादाम बोले तो एक नंबर इसको चोंगे भी बोलते हैं कुछ और भी बोलते हैं मैं भूल गई हूँ एक नंबर आदमी वहाँ जाए और ये नहीं लाए देखो काजू इसलिए तो हो ही पक्का। तो सीमा बहन बहुत बहुत जजाक अल्लाह खैर आपकी कमाई में इतनी बरकत देना परवरदिगार और मैं रमजान में अजमेर आ रही हूँ तो हफ्ते को मिलना है ईद के बाद इंशाल्लाह ऐसे हमारा रिश्ता बना रहा है पूछो मत और आप इतनी भाई मारी में आते हो कि मेरा मिलना बहुत कम होता है तो मैं भी भूख का गिर गया उठा के खाना पड़ेगा मूँगी आएगी और टेस्ट तो एक नंबर बहुत बहुत थैंक यू जजाकल्ला एक नंबर खाने में लगा। अब मेरा पड़े कि मैंने पार्सल भेजी थी आपने भेजे थे तो मैं अभी देखती हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो जाए बहुत बहुत जजाकल्ला। माशाल्लाह आज का ब्लॉग इतना अच्छा बना पूरे दिन का सब बहुत अच्छा था सब खाना वाना सब बनाया भी आप लोग को ब्लॉग आएगा रमज़ान मुबारक का ब्लॉग इससे का आ रहा है बस लाइक करो फॉलो करो। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं रोज़ा रख के इतनी अफ्तारी बनाना नमाज पढ़ना यासीन कुरान पढ़ना मामूली बात नहीं होती रात भर जागे रहते तो आप लोग ऐसे लाइक करो हमारी सबकी मेहनत है घर में ऐसा नहीं कि मैं अकेली बना रही हूँ ये बनाने में नूरी की मेहनत है अनाप की मेहनत है सैदापा की मेहनत है बच्ची आती है बच्ची की मेहनत है पूरा घर मेहनत लगा रहा है तो आप लोग सब ऐसी दुआ में याद रखो। इसके साथ ही ब्लॉग एंड करूँगी इंशाल्लाह ताला शहरी में आप लोग को मिलूँगी और ऐसी लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो आप लोग से बस मेरी यही उम्मीद है और आप लोगों ने हमेशा से प्यार दिया है और हमेशा से देते रहेंगे मुझे ये पता है ओके आई लव यू और दुआओं की दरकार से ओके क्या करती हो ना आप।